अब टाइप्स ऑफ रेल स्लीपर्स, सो डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन इन अ रेलवे ट्रैक द स्लीपर्स में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. तो रेलवे ट्रैक की क्या पोजिशन है, ऑल्सो द मटीरियल जिससे स्लीपर्स बनी है उसके बेसिस पे हम इन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं रेल स्लीपर्स को. वी कैन क्लासिफाई दैम अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑन द रेलवे ट्रैक एंड द मटीरियल बाय विच दे आर मेड. तो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर स्लीपर्स एंड देन दीज ट्रांसफर स्लीपर्स आर फर्दर डिवाइडेड कि वुडन स्लीपर, स्टील स्लीपर, आयरन कास्ट आयरन स्लीपर, कॉन्क्रीट स्लीपर. तो लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर तो एज द नेम सजेस्ट कि दे विल बी पैरेलल टू द दे विल बी लेड पैरेलल टू द सो एज द नेम सजेस्ट लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर्स विल बी लेड पैरेलल टू द रेल. रेल के डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनली दे विल बी केप्ट. ट्रांसवर्स स्लीपर्स एज द नेम सजेस्ट कि रेलवे ट्रैक के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में दे विल बी केप्ट. सो लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर्स तो हम वी डोंट सी देम, तो अब ये यूज़ में ऐसी नहीं होती हैं स्लीपर्स. लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर्स आर नॉट यूज एनी मोर. वी आर यूजिंग ट्रांसवर्स स्लीपर्स, दैट इज हम रेलवे ट्रैक के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्लीपर्स को ले करते हैं. एंड these transverse sleepers are then further divided into wooden or timber sleepers, steel sleepers, cast iron sleepers and con sleepers depending upon the material by which they are made. So types of sleepers mein two types, longitudinal sleepers and transverse sleepers, and these transverse sleepers are further divided into timber wooden sleepers, steel sleepers, cast iron sleepers and concrete sleepers. So longitudinal sleepers, अर्ली फॉर्म ऑफ स्लीपर्स मतलब अब नहीं यूज़ होती हैं, पहले यूज़ होती थी. कंसिस्टेड ऑफ स्लैब्स ऑफ स्टोन और पीसेज ऑफ टिम्बर प्लेस्ड पैरेलल टू द रेल्स. तो ये किसकी बनी हुई होती थी, स्लैब ऑफ स्टोन्स, पीसेज ऑफ टिम्बर, इसकी बनी हुई होती थी ये, और ये पैरेलल रखी जाती थी रेल्स के, रेल्स के पैरेलल डायरेक्शन में, रेल्स के ही डायरेक्शन में रखी जाती थी. और उनका गेज मेंटेन करने के लिए बीच बीच में एक इंटरवल पे क्रॉस पीसेस प्रोवाइड किए जाते थे. तो क्रॉस पीसेस प्रोवाइड किए जाते थे एट सर्टेन इंटरवल्स टू मेंटेन अ करेक्ट गेज ऑफ द ट्रैक. एट प्रेजेंट दीज स्लीपर्स आर नॉट यूज्ड बिकॉज रनिंग ऑफ ट्रेन इज नॉट स्मूथ. ऐसा पाया गया कि जो ट्रेन है वो स्मूथली रन नहीं कर पा रही है इस तरह के स्पर्स पे. कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी, ज़्यादा नॉइस वॉज क्रिएटेड एंड देयर वर अदर डिसएडवांटेजेस एज वेल. So these kind of sleepers are obsolete, they are not used anymore because running was not smooth, running of the train was not found to be smooth, cost was more, noise, a lot of noise was created. So isiliye these sleepers are not in use anymore. So longitudinal sleepers are not in use anymore. Ye kis mein hoti thi, slabs of stones, pieces of timber, inki bani hui hoti thi. Ye parallelly rakhi jati thi rails ke. क्रॉस पीसेज वर प्रोवाइडेड जिससे उनका गेज मेंटेन रहे, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनली रखा है हमने रेल्स को तो उनका गेज मेंटेन रहे, इसलिए हम कुछ कुछ इंटरवल्स पे क्रॉस पीसेज वर प्रोवाइडेड एंड दीज आर दी डिसएडवांटेजेस कि ट्रेन वॉज नॉट रनिंग स्मूथली ओवर देम, कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी, नॉइस वॉज क्रिएटेड. ट्रांसफर स्लीपर्स, सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस स्लीपर्स. यूके पे इंट्रोड्यूस हुई थी 1935 में. Highly popular and most used in railways at present. सबसे ज़्यादा यही यूज़ हो रही है, मोस्टली यही यूज़ हो रही है. मोस्ट ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर्स आर टेकन केयर ऑफ. तो डिसएडवांटेजेस आ रहे थे लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर्स के, वो ट्रांसफर स्लीपर में नहीं आते हैं. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटीरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग दीज स्लीपर्स आर क्लासिफाइड इन टू फाइव टाइप्स, टिम्बर, स्टील, कास्ट आयरन एंड कॉन्क्रीट. सो ट्रांसफर स्लीपर्स विल बी प्लेस ट्रांसफर्स इन अ ट्रांसफर्स डायरेक्शन टू द रेल एंड यही यूज़ होती है मोस्टली. और जो लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर्स के जो डिसएडवांटेजेस थे वो ट्रांसवर्स स्लीपर में नहीं आते हैं. एंड डिपेंडिंग अपॉन द मटीरियल दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टिम्बर स्लीपर, स्टील स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर एंड कॉन्क्रीट स्लीपर. सो टिम्बर स्लीपर्स फर्स्ट, ऑल्सो कॉल्ड वुडन, सो कॉल्ड वुडन स्लीपर्स, दे फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आइडियल स्लीपर. जो भी हमने characteristics of good sleeper देखे हैं, दे फुल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स. दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड दे आर एबल टू टेक अ लॉट ऑफ लोड. इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ट्रैक को एंड ऑल दोज अदर्स. यूज यूनिवर्सली
टीक वुड इज़ कंसिडर्ड एज बेस्ट. सो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ वुड होते हैं. तो टीक वुड इज़ कंसिडर्ड दी बेस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टिम्बर स्लीपर्स. बट ड्यू टू हाई कॉस्ट मेनली यूज एज स्लीपर्स फॉर गर्डर ब्रिजेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं ये टीक वुड. तो इसकी वजह से ये वाले स्लीपर्स आर यूज मोस्टली यूज फॉर दिस गर्डर ब्रिजेस. सैलवुड, डिओडर फिर एंड चिर वुड आर यूज एज ऑल्टरनेटिव्स वेयर दोज आर इजीली अवेलेबल. तो टिम्बर स्लीपर्स किससे बनते हैं? मेड ऑफ टीक वुड और सॉल सॉल वुड, डिओडर फिर चिर वुड, इन सब से बन सकते हैं. टीक वुड इज़ मेनली कॉस्टली बट इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट. तो क्योंकि कॉस्टली है इसलिए दे आर यूज ओनली मोस्टली ओनली एट दी गिर्डर ब्रिजेस. अदरवाइज सैलवुड, डिओडर फिर चिर वुड इज यूज एज एन ऑल्टरनेटिव. एट प्रेजेंट यूसेज इन मैन्युफैक्चरिंग डिक्रीज बिकॉज ऑफ द एडवेंट न्यू टाइप्स ऑफ स्लीपर्स. सो टिम्बर स्लीपर्स का यूसेज और मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया है क्योंकि नए तरह के स्लीपर्स लेटर एडवेंट हुए. सो वी सॉ लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर्स, वो दे विल बी लेड पैरेलल टू द रेल्स. अब नहीं यूज़ होते हैं क्योंकि डिसएडवांटेजेस थे, रनिंग स्मूथ नहीं था ट्रेन का, कॉस्ट ज़्यादा आ रहा था, नॉइस वॉज क्रिएटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ट्रांसवर्स स्लीपर्स, दे आर लेड इन अ ट्रांसवर्स डिरेक्शन टू द रेल्स. क्रॉस स्लीपर्स भी बोलते हैं इनको, दे आर हाईली पॉपुलर. जो भी डिसएडवांटेज आ रहे थे हमको लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर्स में, दे आर टेकन केयर ऑफ इन दी ट्रांसवर्स स्लीपर्स. एंड डिपेंडिंग अपॉन द मटीरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग दी स्लीपर्स, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू टिम्बर स्लीपर, स्टील स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर एंड कॉन्क्रीट स्लीपर. सो फर्स्ट वी सॉ टिम्बर स्लीपर, वुडन स्लीपर्स भी बोलते हैं. टीक वुड बेस्ट वुड माना जाता है इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पर क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होती है टीक वुड की, तो हम उसको यूजअली गर्डर ब्रिजेस पे यूज़ करते हैं. एंड एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ द टीक वुड हम सॉल वुड, डिओडर फिर चिर वुड यूज़ कर सकते हैं. एंड प्रेजेंटली इसका ये जो मैन्युफैक्चरिंग कम हो चुका है क्योंकि लेटर ऑन वी डिस्कवर्ड न्यू वी मैन्युफैक्चर्ड न्यू टाइप्स ऑफ स्लीपर्स. यूटिलिटी, वेरी मच यूजफुल फॉर हैवी लोड्स एंड हाई स्पीड. सो जो टिम्बर स्लीपर्स हैं दे आर वेरी मच यूजफुल फॉर हैवी लोड्स, कैन बियर हैवी लोड्स, हाई स्पीड्स. लाइफ, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स सच एज क्लाइमेटिक कंडीशन, इंटेंसिटी एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक, क्वालिटी ऑफ वुड, मेथड ऑफ पैकिंग, टाइप ऑफ फास्टनिंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल वेयर एक्सेट्रा. सो जो लाइफ है डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, इंटेंसिटी एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक कैसा है, क्वालिटी कैसी है वुड की, मेथड ऑफ पैकिंग कैसा है, टाइप ऑफ फास्टनिंग्स क्या यूज़ किए हैं हमने, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल वेयर एक्सेट्रा. ट्रीटमेंट, लायबल टू बी अटैक्ड बाय वर्मेंट्स, क्योंकि वुड है तो दे कैन बी अटैक्ड बाय द वर्मेंट्स. हैंस ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव मोर रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज. सो प्रिजर्वेटिव्स आर यूज पर्पज. सॉल्यूशन यूज फॉर टिम्बर स्लीपर्स आर जिंक क्लोराइड, सॉल्ट सोल्यूशन एक्सेट्रा. तो दे विल बी रिक्वायरिंग अ ट्रीटमेंट क्योंकि वुडन है, वर्माइन अटैक हो सकता है उन पर एंड दैट कैन रिड्यूस द लाइफ ऑफ द स्लीपर. तो इसके लिए वील हैव टू ट्रीट इट बाई यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स, जो कि कौन कौन से हो सकते हैं, सोल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड, सॉल्ट सोल्यूशन और भी एक्सेट्रा. कोरोजन तो नहीं होगा बिकॉज वुड है. इंसुलेशन, दे'ल बी गुड, दे आर गुड इंसुलेटर्स. वुड है आइडियल फॉर ट्रैक सर्किट सेक्शन एज दे आर गुड इंसुलेटर्स. साइज डिपेंड्स अपॉन द लोड कमिंग एंड क्वालिटी ऑफ वुड, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रीटमेंट दैट इज ट्रीटेड और नॉट. Size of wood sleep wooden sleepers are standardized by Indian Railways. So depending upon a number of factors, we decide the size of these sleepers. By the way, they are standardized by the Indian Railways, unka size. Longer sleepers up to length 488 centimeter are used for bridges with open flooring points and crossing. So for bridges, hum 488 centimeters ki length ke timber स्लीपर्स यूज़ करते हैं. सेक्शन ऑफ स्लीपर इज़ ऑल्सो इंक्रीज बाय 300 into 160 mm. रेक्टेंगुलर हाफ राउंड शेप्स आर ऑफन यूज्ड.
driving of spikes. Spikes should be driven carefully through the sleepers, else sleepers, क्योंकि wood है तो easily damage हो सकता है when we'll put spikes into them to attach the rails with the sleepers and further on. तो gauge disturb हो सकता है, sleeper damage हो सकता है. So that should be done carefully. Name and year. Name of wood used and year of laying the sleeper is normally marked on the top surface of the sleeper. So जो sleeper के top surface पे usually जो भी wood use किया है हमने sleeper में, उसका नाम और किस year में lay किया है sleeper को, that is put. Edging करते हैं, this we studied in the last lecture as well, कि हम उसको sleepers को straight ना रख के हम एक slope पे रखेंगे. Wooden sleepers are edged or cut at rail seat to get a slope of 1:20. This we studied. So, edging will be done. So, this was a timber sleeper. We saw ki kya hota hai timber sleeper, kis cheez se bana hota hai timber sleeper, kya kya cheeze use karke ban sakta hai timber sleeper, and they are also called wooden sleeper. Ab manufacture kam hai, usage kam hai, kyunki we came across new kinds of sleeper which were better than this. Iska utility and life we saw kin kin factors pe depend karega. Kyunki wood hai, vermine attack ho sakta hai, to we'll have to use preservatives. To hum preservative mein kya use karenge? Solution, zinc chloride, salt solution, etc. Corrode nahi hoga, insulation, good insulated hai, to jab bhi hume track ka section circuited chahiye, to it's ideal for that. Size depends upon a number of factors. We saw that and we saw some dimensions ki bridge pe what will be the dimension, and rectangular or half round shape ke bhi ye use hote hain. We saw ke driving of spikes should be done carefully kyunki wood hai to sleeper damage ho sakta hai, gauge disturb ho sakta hai. Name and year of wood is name and year of laying. Name of wood and year of laying उस पर मार्क किया जाता है, एजिंग करी जाती है 1:20 स्लोप पे. उसके एडवांटेजेस क्या है कि जो नंबर ऑफ़ फिटिंग्स है वो कम यूज़ होती है इसमें. इसका डिज़ाइन सिंपल है, सूटेबल है हर तरह के बालास्ट के लिए. वी विल सी बालास्ट आल्सो एंड देयर आर नंबर ऑफ़ टाइप्स ऑफ बालास्ट एज वेल. तो हर टाइप के बालास्ट के लिए दिस इज़ सूटेबल. ई टू ले, रीले, पैक, लिफ्ट एंड मेनटेन. उसको ले करना, उसको अगर मेंटेनेंस के लिए वी हैव टू रिप्लेस इट, रिमूव इट, उसको रीले करना, उसको पैक करना, लिफ्ट करना, मेंटेन करना इज़ इजी. नॉइसी कम होगा ट्रैक अगर हमने टिम्बर स्लीपर्स यूज़ किए हैं. ओवरऑल इकोनॉमिकल है. ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट साइजेस एंड लेंथ फॉर इजी अडैप्टेबिलिटी एट सर्टेन लोकेशन. तो अलग अलग लोकेशन के लिए हमें अलग अलग डिमेंशन चाहिए पड़ सकते हैं इस स्लीपर के, तो ईजिली ऑब्टेनेबल है ये. परमिट ट्रैक सर्किटिंग ईजी हो जाएगा. डैमेज ड्यूरिंग डीरेलमेंट इज़ लेस. अगर ट्रेन अनफॉर्चुनेटली अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस में डीरेल हो जाती है तो डैमेज विल बी लेस. कैन बी प्लेस्ड ऑन यील्डिंग फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ मोर बेयरिंग एरिया, क्योंकि सफिशेंट बेयरिंग एरिया प्रोवाइड करती है, तो कैन बी प्लेस्ड इन यील्डिंग फॉर्मेशन एज वेल. पॉसिबल टू वाइडन द गेज ईजिली विथ वुडन स्लीपर. अगर हमें गेज वाइडन करना है तो वुडन स्लीपर के साथ इट इज़ ईजी टू डू. इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिफ़िकल्ट टू मेंटेन गेज. ये डिफ़िकल्ट है इसके साथ मेंटेन करना गेज. हाई मेंटेनेंस कॉस्ट. मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है इसकी. यूजफुल जो पीरियड है वो कम है, मतलब लाइफ कम है इसकी एज़ कम्पेयर टू अदर स्लीपर्स, अदर काइंड ऑफ स्लीपर्स दैट वील स्टडी. ईजीली डिस्टर्ब फ्रॉम देयर पोजिशन क्योंकि वुड है तो उसके डैमेज होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं. ईजिली डिस्टर्ब होने के पोजिशन से वो भी ज़्यादा है चांसेस. ईजिली सब्जेक्टेड टू वेयर एंड डीके ड्यू टू वेरियस फोर्सेज एंड कॉजेज. रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर प्रोटेक्शन. हमने देखा इट इज़ लाइबल टू बी अटैक बाय द वर्माइंस, तो हमको वील हैव टू ट्रीट इट बाय यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स. पजेस लेस स्क्रैप वैल्यू. उसका स्क्रैप वैल्यू कम होता है. स्क्रैप वैल्यू वो होता है when a certain commodity is used and is no longer useful for us, तो उसके बाद उसके useful life के बाद उसका जो value बचता है, उसका जो value रह गया है, that is called scrap value. कोई भी चीज़ हमने use कर ली है, उसका useful life period ख़त्म हो चुका है, उसके बाद उसकी क्या value बचती है, that is called scrap value. तो wood है उसका less, कम है
less scrap value hai. So this was all about the timber sleepers. We saw longitudinal sleepers, transverse sleepers. Transverse sleepers mein we are studying timber sleepers and now the steel sleepers. So ye extensively use hote hain Indian railways mein. Consist of steel troughs made of 6 mm thick steel sheets. So see steel ke bane hue hote hain obvious and they are made of 6 mm thick steel sheets. 6 mm thick steel sheets ke bane hue hote hain. इसके दोनों जो एंड्स होते हैं दे आर बेंट अ लिटल डाउन जिससे कि वो बाल टू चेक द रनिंग आउट ऑफ बालास्ट जिससे वो फिक्स रहे फर्मली फिक्स रहे अपने प्लेस पे. लाइफ यूजफुल लाइफ ऑफ स्टील स्लीपर्स इज टेकन एज 30 to 40 ईयर्स ऑन अ नॉर्मल रूट. नॉर्मल रूट पे नॉर्मल एवरेज ट्रैफिक है जहाँ पे नॉर्मल एवरेज क्लाइमेटिक सर्कमस्टांसेज हैं कंडीशंस हैं वहाँ पे उसका जो यूजफुल लाइफ होगा वो 30 से 40 साल होगा. On a high density traffic route, it can be taken a little less, about 20 years. Track provided with steel sleepers doesn't require much attention as renewal is not frequent. So we'll have to pay a little less attention on them because their renewal is not jaldi frequently nahi hota hai, because they are not liable to damage as compared to other sleepers. So we'll have to pay less attention on them. Corrosion. Steel hai, so steel sleepers are not liable to be attacked by vermines. So obviously vermines attack nahi karenge, but corrosion hoga due to moisture. Hence treatment is done to protect against corrosion. So we'll have to treat these sleepers to protect them against the corrosion. Insulation cannot be used in electrification of track. Clearly kyunki ye good insulators hain, isliye cannot use them in the electrification of the track. The tails consist of a trough or channel made of steel plate about 6 mm. Trough ya fir channel of steel plate channel ke bane hue hote hain made up of steel plate about 6 mm thick. Ends bent down to prevent running ballast. Iske ends are bent little down. Jo dono ends hain they are bent down. Niche ki taraf mude hue hote hain. Rails are fixed with steel sleepers by the help of keys to the pressed up plugs. They are fixed by the help of keys. Advantages: less fastening, simple in nature. हमें कम fastening चाहिए पड़ेंगे इसको फिरने के लिए. Simple in nature. Maintain and adjustment of the cage are easy with such sleepers. तो maintenance and जो cage का जो maintenance और adjustment that is easy. This we saw was not easy in timber sleepers, but steel sleepers mein it's easy. Manufacturing process of steel sleepers is simple in design and operation. Manufacturing easy hai iska. Possess good scrap value. To jo steel sleepers hain unka good hota hai, achha scrap value hota hai. That is after they are used, uske baad bhi they'll possess a good scrap value. Light in weight, easy handling, meets requirement of long welded track in cases. Good anti-creep sleepers. ये हमने पढ़ा था creep वाले lecture में कि when we have to, we saw कि what can we do to reduce the creep. So we studied a point by using steel sleepers we can reduce the creep. So these steel sleepers are good anti-creep sleepers. Behave better in the case of yielding formation. जो भी yielding formation है अगर तो इनका behavior better है. Disadvantages cost high है. Cracks develop हो सकते हैं जो rounded ends है sleeper के. ये एक lateral shift है वो उसमें दिक्कत कर सकते हैं. Prevents lateral shift because the ends are round. Liable to corrosion are not good insulators. Steel hai definitely. Excess damage due to agar unfortunately derailment hota hai to bahut damage hoga. Steel sleepers are difficult to pack at the rail joint because of their closed spacing. Because steel sleepers ko hume closed spacing pe rakhna padta hai to jo packing hai wo difficult ho jati hai. Leads to battering of rails. तो रेल्स कैन गेट डैमेज अगर हमने स्टील स्लीपर्स यूज़ किए हैं तो रेल्स के ज़्यादा चांसेस हैं
कि वो डैमेज हो जाए, रेल्स की लाइफ कम हो सकती है. सो वी स्टडीड लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर्स, ट्रांसवर्स स्लीपर्स. ट्रांसवर्स स्लीपर्स में फर्स्ट टिम्बर स्लीपर्स एंड सेकेंड स्टील स्लीपर्स. नाउ कास्ट आयरन स्लीपर्स. मोर दैन 50% ऑफ स्लीपर मोर दैन 50% ऑफ द स्लीपर्स आर मेड ऑफ कास्ट आयरन एज ऑफ 2000. एज ऑफ 2000 ज़्यादातर 50% से ज़्यादातर स्लीपर्स कास्ट आयरन स्लीपर्स यूज हो रहे हैं. कास्ट आयरन स्लीपर्स कंसिस्ट ऑफ टू पॉट्स और प्लेट्स विथ रिब्स बिलो एंड कनेक्टेड बाई अ रॉट आयरन टाई बार ऑफ सेक्शन ऑफ अबाउट 51 x 13 mm. तो जो ये कास्ट आयरन स्लीपर्स हैं ये इसमें क्या होता है, दो पॉट्स होते हैं या दो प्लेट्स होती हैं विथ रिब्स बिलो. उनके नीचे रिब्स होती हैं जिसको हम कनेक्ट करते हैं रॉट आयरन टाई बार से. तो दे आर लाइक टू पॉट्स और टू प्लेट्स विच आर प्लेस्ड अंडर रेल्स एंड उसको हम कनेक्ट उन दोनों पॉट्स को हम कनेक्ट करते हैं किससे, आयरन टाई बार से, रॉट आयरन टाई बार से. ईच पॉट और प्लेट इज़ प्लेस्ड द रेल. जो भी वो पॉट्स और प्लेट्स हैं उसको रेल के बिलो रखा नीचे रखा जाता है. शेप ऑफ पॉट और प्लेट इज़ यूज टू बी सर्कुलर प्रायर बट प्रेजेंट ओवल शेप विथ लार्जर डायमीटर 6 x 10 mm एंड स्मॉलर डायमीटर 508 mm अपवर्ड. तो पहले सर्कुलर पॉट्स यूज होते थे या सर्कुलर प्लेट्स यूज होती थी बट अब ओवल शेप यूज होता है विथ जो उसका लार्जर जो आउटर डायमीटर होता है दैट इज 6 x 10 mm, स्मॉलर डायमीटर दैट इज़ जो इनर डायमीटर होता है दैट इज़ 508 mm प्रिफरेबली. ईच पॉट इज़ प्रोवाइडेड विद होल्स फॉर पैकिंग बालास्ट एंड इंस्पेक्शन. तो जो ये जो पॉट्स हैं जो रेल के नीचे रखे गए हैं, इन पॉट्स को या इन प्लेट्स को हमने कनेक्ट किससे किया, रॉट आयरन टाई बार से. इन पॉट्स में हमने होल्स प्रोवाइड किए जिससे क्या हो सके, जो पॉट के नीचे जो बालास्ट है वो ईजिली पैक हो सके प्लस इंस्पेक्शन हो सके अच्छे से बालास्ट का और इनका भी, स्लीपर्स का भी. दैट इज़ वाई होल्स आर प्रोवाइडेड. प्लेट स्लीपर्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट्स ऑफ साइज अबाउट 864 x 305 mm. अगर प्लेट स्लीपर्स हैं तो वो रेक्टेंगुलर शेप की होंगी, 865 x 305 mm डिमेंशन की. अब इसके ये फॉलोइंग टाइप्स हैं, पॉट स्लीपर्स अगर पॉट्स यूज़ किए हैं दे विल बी कॉल्ड पॉट स्लीपर्स. प्लेट यूज़ किए हैं दे विल बी कॉल्ड प्लेट स्लीपर्स. इसके और भी टाइप्स होते हैं दैट वी डोंट हैव टू स्टडी. बॉक्स स्लीपर्स होते हैं, सो CST9 स्लीपर्स होते हैं. CST9 स्लीपर इज़ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री काइंड ऑफ स्लीपर्स एंड ड्यूप्लेक्स स्लीपर्स. सो वी नीड टू नो कि कास्ट आयरन स्लीपर क्या होता है. अब 50% अब यही यूज़ होते हैं, कास्ट आयरन से बने हुए होते हैं. इसमें या तो पॉट्स या फिर प्लेट्स यूज होती हैं जिसको हम रेल के नीचे रखते हैं और कनेक्ट करते हैं रॉट आयरन टाई बार से, हम उनको कनेक्ट करते हैं. ये जो पॉट्स और प्लेट्स होती है इसमें एक होल प्रोवाइडेड होता है जिससे क्या हो सके, बालास्ट की पैकिंग अच्छे से हो सके, अच्छे से पैक हो सके और इंस्पेक्शन में ईज़ हो. इसीलिए इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इट कैन बी डिसमेंटल्ड एंड असेंबल. उसको हम आसानी से हटा सकते हैं और उसको वापस से असेंबल करके वापस लगा सकते हैं हम. ये उसका एडवांटेजेस है. हैंस ट्रांसपोर्ट इज़ ईजी इवन दो इट इज़ हैवी. हैवी होने के बाद भी उसका ट्रांसपोर्ट ईजी है. कैन टॉलरेट सर्टेन अमाउंट ऑफ रफ हैंडलिंग. तो उसके डैमेज के चांसेस कम है अगर रफ हैंडलिंग कर रहे हैं हम उसकी तब भी. पजेस हाई स्क्रैप वैल्यू. कास्ट आयरन है, अगर यूजफुल लाइफ उसकी पूरी हो जाएगी उसके बाद भी कास्ट आयरन की वैल्यू बचेगी, सो इट विल हैव अ हाई स्क्रैप वैल्यू. गुड लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल रेजिस्टेंस. शेप इज़ वेल सूटेड फॉर बालास्ट पैकिंग एंड स्किल रिक्वायर फॉर इट्स मेंटेनेंस इज़ मिनिमम. तो जो शेप है दैट इज़ सूटेबल फॉर द बालास्ट पैकिंग और जो मेंटेनेंस के लिए स्किल की खास रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स मिनिमम. स्लीपर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द रैंडम और इररेगुलर ड्रॉपिंग ऑफ फायर बाय द स्टीम इंजन. तो जो स्टीम इंजन से जो भी फायर और फायर की जो भी ड्रॉपिंग हो रही है उससे कास्ट आयरन स्लीपर्स विल नॉट गेट मच अफेक्टेड. डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ड्यूरिंग डीरेलमेंट डैमेज बहुत एक्सेसिव होगा एंड इट रिक्वायर्स मोर टाइम फॉर रिस्टोरेशन. उसको रिस्टोर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा.
not suitable for circuiting of track, cast iron है, we cannot use for circuiting of the track क्योंकि it's not a good insulator, leads to early wear of sleeper because of small bearing area at the रेल सीट. रेल सीट पे स्मॉल बेयरिंग एरिया की वजह से इस पे वेयर बहुत जल्दी आ सकते हैं. नॉट सूटेड फॉर मॉडर्न मेथड्स ऑफ मेंटेनेंस, पोजेस पुअर एबिलिटी टू रिटेन द पैकिंग ड्यू टू इट्स रिजिड फास्टनिंग. रिजिड फास्टनिंग होने की वजह से, जो भी कंडीशंस हैं वो रिजिड होने की वजह से, जो पैकिंग को रिटेन करने की जो एबिलिटी है दैट इज़ पुअर. इट टेक्स अबाउट 6 months फॉर प्रॉपर कंसोलिडेशन आफ्टर कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल एंड स्लीपर रिन्यूअल. इट टेक्स अबाउट 6 months फॉर प्रॉपर कंसोलिडेशन आफ्टर कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल एंड स्लीपर रिन्यूअल. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस. सो वी सॉ टिम्बर एंड स्टील, देन कास्ट आयरन एंड नाउ कॉन्क्रीट स्लीपर्स. तो दे कैन बी मेड अप ऑफ RCC और PSC. प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट के भी बने हो सकते हैं या फिर RCC के भी हो सकते हैं कॉन्क्रीट स्लीपर्स. वेट ऑफ कॉन्क्रीट स्लीपर्स वेरीज फ्रॉम 150 to 300 kg, विच इज़ मोर दैन वुडन और मेटल स्लीपर्स. तो ऑब्वियसली कॉन्क्रीट स्लीपर्स का वेट बहुत ज़्यादा होगा. दिस प्रोवाइड्स मोर स्टेबिलिटी टू ट्रैक, क्योंकि वेट ज़्यादा है तो जो ट्रैक होगा इट विल बी मोर स्टेबल. गुड ड्यूरेबिलिटी, यूज़फुल लाइफ भी अच्छी होगी इसकी, 30 to 25 years. एंड हाई डेंसिटी रूट्स पे भी इसकी जो यूज़फुल लाइफ है दैट इज़ 30 to 25 years. एज वेट इज़ मोर, दे परफॉर्म बेटर अंडर वेल्डेड रेल्स. स्पेशल PSC स्लीपर्स हैव बीन डेवलप्ड टू मीट द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट लोकेशन, सच एज तो डिफरेंट लोकेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल शार्प कर्व्स, लेवल क्रॉसिंग्स, इन सब के लिए स्पेशल PSC स्लीपर्स भी डेवलप किए गए हैं. मास प्रोडक्शन ईजी होता है इनका. मास प्रोडक्शन टेक्निक आर अडॉप्टेड फॉर द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज स्लीपर्स. इकोनॉमिकल प्रोडक्शन ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ हाई स्ट्रेंथ, हैंडलिंग ऑफ स्लीपर्स, गुड प्लांट डिज़ाइन, एक्सेलरेटेड हार्डनिंग ऑफ स्लीपर्स एक्सेट्रा हैव टू बी टेकन केयर ऑफ. तो इकोनॉमिकल प्रोडक्शन ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ हाई स्ट्रेंथ, हैंडलिंग ऑफ स्लीपर्स, गुड प्लांट डिज़ाइन, इन सब का ध्यान हमको रखना होगा. इनिशियल कॉस्ट ऑफ कॉन्क्रीट स्लीपर्स विल बी वेरी हाई. तो जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो इकोनॉमिकल है, पर उसका जो इनिशियल कॉस्ट है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा होगा. नाउ एडवांटेजेस क्या होंगे इसके? हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, गुड रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, डैमेज कम होगा, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है होगा, इंक्रीज बॉन्ड रिजल्टिंग इन शॉर्टर ट्रांसमिशन लेंथ. तो जो बॉन्ड इसका वही मतलब है कि जो स्टेबिलिटी है पैकिंग है बालास्ट से एंड द बॉन्ड बिटवीन द स्लीपर एंड द बालास्ट जिससे उसकी स्टेबिलिटी बनी हुई है दैट इज़ गुड. इंक्रीज इम्परमेबिलिटी, रिडक्शन इन लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिडक्शन इन श्रिंकेज क्रीप एंड इलास्टिक शॉर्टनिंग. तो इसकी वजह से जो लॉसेज हैं वो कम होंगे, श्रिंकेज इलास्टिक शॉर्टनिंग कम है. रिडक्शन इन लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिडक्शन इन श्रिंकेज क्रीप एंड इलास्टिक शॉर्टनिंग. वेरी हाई फेटिग स्ट्रेंथ, ये सब इसके एडवांटेजेस हैं ऑफ दी कॉन्क्रीट स्लीपर्स. डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? डीरेलमेंट अगर हो गया अनफॉर्चुनेटली तो डैमेज बहुत ज़्यादा होगा. स्क्रैप वैल्यू क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी, कॉन्क्रीट है, देर विल बी नो स्क्रैप वैल्यू, उसकी कुछ स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी. रिक्वायर कम्प्लीट मैकेनाइजेशन इन हैंडलिंग, मैन हैंडलिंग नहीं कर सकते हम इसकी, इट विल रिक्वायर कम्प्लीट मैकेनाइजेशन. रिक्वायर यूज ऑफ सुपीरियर एंड कॉस्टली टेक्नोलॉजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी हमको अच्छी टेक्नोलॉजी, सुपीरियर टेक्नोलॉजी चाहिए. सो दीज वर दी टाइप ऑफ स्लीपर्स. सो वी सॉ कि स्लीपर क्या होता है. उसके फंक्शंस वी सॉ स्लीपर क्या होता है, उसके फंक्शंस, एक गुड स्लीपर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए. टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स स्लीपर्स किस मटेरियल से बने हैं उस पे डिपेंड, उसके बेसिस पे हमने उसको फर्दर क्लासिफाई किया, टिम्बर या वुडन स्लीपर, स्टील स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर, कॉन्क्रीट स्लीपर. वी स्टडीड अबाउट देम कि क्या मटेरियल यूज़ होता है, सबके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कौन सा अब यूज़ होता है, कौन सा पहले यूज़ होता था, अब यूज़ नहीं होता है, एंड रीजंस बिहाइंड देम.
नाउ स्लीपर डेंसिटी. स्लीपर डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ स्लीपर्स प्रेजेंट इन अ गिवन लेंथ ऑफ रेल इज कॉल्ड स्लीपर डेंसिटी. तो कितनी रेल्स प्रेजेंट एक गिवन लेंथ ऑफ रेल में, रेल के गिवन लेंथ में कितनी स्लीपर्स प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड स्लीपर डेंसिटी. नंबर ऑफ स्लीपर्स प्रेजेंट इन अ गिवन लेंथ ऑफ रेल. एक रेल की गिवन लेंथ में कितने स्लीपर्स प्रोवाइडेड हैं, नंबर ऑफ स्लीपर्स, दैट इज़ कॉल्ड स्लीपर डेंसिटी. नाउ स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स इज इंडिकेटेड बाय फार्मूला प्लस एक्स. जो स्पेसिंग है स्लीपर्स के बीच की, जो स्पेसिंग है वो हम कैसे देते हैं, एन प्लस एक्स. यहाँ पे एन है लेंथ ऑफ रेल है, एन इज़ द लेंथ ऑफ रेल, रेल की लेंथ है. एक्स क्या है, नंबर ऑफ स्लीपर्स मोर देन एन. सो ये जो एन जो नंबर है, इज़ द लेंथ ऑफ रेल, नंबर ऑफ स्लीपर्स मोर देन एन, उससे ज़्यादा, नंबर ऑफ स्लीपर्स मोर देन एन, उससे ज़्यादा कितने स्लीपर्स हैं, दैट उन दोनों को ऐड करेंगे, देन वी विल गेट दी स्पेसिंग ऑफ द स्लीपर्स. स्लीपर्स डेंसिटी डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स. जो स्लीपर की डेंसिटी है डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. लेटरल थ्रस्ट ऑफ लोकोमोटिव टू विच द ट्रैक इज सब्जेक्टेड, एक्सल लोड विच द ट्रैक इज एक्सपेक्टेड टू कैरी. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जिस पे स्लीपर डेंसिटी डिपेंड करेगी. स्लीपर डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ स्लीपर्स प्रेजेंट इन गिवन लेंथ ऑफ रेल. एक गिवन लेंथ ऑफ रेल में कितनी स्लीपर्स प्रोवाइड करी हुई हैं, दैट इज स्लीपर डेंसिटी. स्लीपर डेंसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज इंडेफिनेटली. मिनिमम स्पेसिंग इज रिक्वायर्ड पैकिंग बैलास्ट एंड मेंटेनेंस. तो वी कैन नॉट कीप स्लीपर्स इनडेफिनेटली. हम उसका जो स्लीपर डेंसिटी है उसको इंक्रीज कर दें, दिस वी कैन नॉट डू. एक मिनिमम स्पेसिंग हमको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी दो स्लीपर्स के बीच में, जिससे अच्छे से पैकिंग हो सके बालास्ट की एंड प्रॉपरली मेंटेनेंस हो सके. तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि स्टैंडर्डाइज किए गए हैं. दैट इज़ वुडन स्लीपर्स अगर हम प्रोवाइड करें तो कितनी होगी मिनिमम स्पेसिंग, 300 mm चाहिए ब्रॉड गेज पे, 250 mm चाहिए मीटर गेज पे. अगर मेटल स्लीपर्स हैं देन 380 mm चाहिए ब्रॉड गेज पे, 330 mm चाहिए मीटर गेज पे. दीज आर सम स्मॉल थिंग्स. स्लीपर्स आर प्लेस्ड नियरर एट रेल जॉइंट्स कंपेयर टू अदर लोकेशंस. जहाँ भी दो रेल्स के बीच में कनेक्शन है, दो रेल्स मिल रहे हैं, जो भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे जो स्लीपर्स हैं वो कंपेरेटिवली हम पास पास रखते हैं उनको. बाकी दूसरे प्लेसेस पे वी कैन कीप दैम एट अ मिनिमम रिक्वायर्ड डिस्टेंस, बट एट द रेल जॉइंट्स दे आर कंपेरेटिवली प्लेस्ड क्लोजर. इन एन प्लस एक्स एक्सप्रेशन एक्स वैल्यू इज़ फिक्स बाय द इंडियन रेलवेज कंसिडरिंग द फॉलोइंग. तो जो एक्स वैल्यू है दैट इज़ द नंबर ऑफ स्लीपर्स मोर देन एन. एन क्या है, लेंथ ऑफ द रेल है. एक्स इज़ द नंबर ऑफ स्लीपर्स मोर देन एन. तो एक्स की वैल्यू स्टैंडर्डाइज करी हुई है इंडियन रेलवेज में किस पे, कंसिडरिंग द फॉलोइंग, एक्सल लोड एंड स्पीड के अकॉर्डिंग एंड टाइप ऑफ बालास्ट क्वेश्चन, टाइप एंड सेक्शन ऑफ रेल्स, टाइप ऑफ स्लीपर एंड इट्स बियरिंग एरिया ऑन द बालास्ट. सो इसको कंसिडर करते हुए एक्स की वैल्यू फिक्स्ड एंड बाय एडिंग इट टू द लेंथ ऑफ द रेल वी कैन फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन द स्लीपर्स. सो वी सॉ कि स्लीपर्स क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, एक आइडियल स्लीपर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड देन टाइप्स ऑफ स्लीपर्स. लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर जो पहले यूज होते थे नाउ दे आर नॉट यूज, ट्रांसवर्स स्लीपर्स जो कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रखे जाते हैं रेल के, उसके सब कैटेगराइजेशंस दैट इज टिम्बर और वुडन, स्टील, कास्ट आयरन, कंक्रीट, दीज फोर. एंड देन इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मटेरियल यूज्ड, इकोनॉमिकल है या नहीं, एंड ड्यूरेबिलिटी एंड देयर स्क्रैप वैल्यू एंड ऑल दीज माइनर थिंग्स. एंड देन वी स्टडीड अबाउट द स्लीपर डेंसिटी. थैंक यू.